Hello kids, today your English class is start now. आज हम chapter 1 All Things Bright and Beautiful read करेंगे. सबसे पहले हम poem के बारे में पढ़ेंगे. This poem is composed by Cecil Francis Alexander. ये poem Cecil Francis Alexander के द्वारा लिखी गई है. इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट हैज डिस्क्राइब, कवि बताते हैं ऑल द क्रिएशंस ऑफ गॉड. क्रिएशंस मीन्स होता है जो भगवान ने रचा है, बनाया है. जो पोएट है वो भगवान के द्वारा बनाई हुई चीजों के बारे में बताएंगे. गॉड हैज मेड ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड. भगवान ने सारी चीजें बनाई हैं संसार में. ही इज वेरी पावरफुल एंड काइंड. वो बहुत दयालु और शक्तिशाली है. हिज क्रिएशंस आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. उनकी रचनाएं चमकदार और सुंदर हैं. ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. सारी वस्तुएं चमकदार और सुंदर हैं. ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल. ग्रेट मीन्स महान या फिर बड़ा. क्रिएचर्स मीन्स जीव जंतु. सारे जीव जंतु बड़े और छोटे हैं. एंड ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल. वाइज मीन्स चतुर एंड वंडरफुल मीन्स अद्भुत. सारी चीजें चतुर और अद्भुत हैं. द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल. भगवान ने इन सारी चीजों को बनाया है. Each little flower that opens, each means हर एक, little छोटा, flower फूल, हर छोटा फूल जो खिलता है. Each little bird that sings, हर एक छोटा पक्षी जो गाता है. God made their glowing colors, भगवान ने उनके चमकीले रंग बनाए हैं. Glowing colors चमकीले रंग, जैसे हमने parrot देखा है green color का होता है, kingfisher देखी आपने blue color की होती है, shining करती है, और जो पिकॉक, पिकॉक तो सबने देखा है, उसके कलर्स देखे ना विंग्स के, पंखों के, वो सारे चमकीले. इसलिए वो बोल रहे हैं कि गॉड ने सारे सबके चमकदार रंग बनाए हैं. ही मेड देयर टिनी विंग्स. भगवान ने इनके छोटे छोटे पंख भी बनाए हैं. ही गेव अस. भगवान ने हमें दी है, अस मीन्स हमें. भगवान ने हमें दी है आईज, आंखें. टू सी देम. देम मीन्स उन्हें. भगवान ने हमें आंखें दी हैं उन्हें देखने के लिए. एंड लिप्स. और होंठ दिए हैं. दैट वी माइट टेल. ताकि हम बोल सकें. हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी. ग्रेट मीन्स महान या फिर बड़ा. और ऑलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान. भगवान कितना सर्वशक्तिमान है. हु डज ऑल थिंग्स वेल. जिन्होंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बनाई हैं.